जहाँ पर लोग बकरे और खस्सी का मीट खाने के लिए उतावले रहते हैं, और वहीं पर मिली हमें एक ऐसी दुकान जहाँ पर खिलाते हैं ये बकरी का मीट, जिसको खाने के लिए ग्राहकों की लाइन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक लगी रहती है। और हमारे पूछे जाने पर ग्राहकों ने बताया कि इन्हें बकरी का मीट मिलने से कोई भी ऐतराज नहीं है। अगर ऐतराज होता तो लोग आते यहाँ खाने। हाँ, सही बात है। और यही नहीं, लोगों के ऊपर खाने की दीवानगी कुछ ऐसी होती है कि बनने से पहले यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा ही रहता है। और वहीं हमें ये देखने को मिला कि एक पतीला यहाँ पर बनके रेडी रहता है और वहाँ पे मीट निकाल के दिया जा रहा होता है, और साथ ही दूसरा पतीला और रख दिया जाता है ताकि ग्राहक मुंह में अपनी लार लेके वापस ना जा सके। तो ऐसा क्या डालकर खिला रहे हैं अपने इस बकरी के मीट के अंदर, जिसको खाने के लिए लोग 50 डिग्री की धूप के अंदर नंगे पैर बस इनकी दुकान पर दौड़े चले आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप वीडियो पर एंड तक बने रहना, आपको इस वीडियो में जबरदस्त मजा आएगा। और अब आगे सबसे पहले पतीला रखा जा रहा है। कौन सा तेल होता है ये? सरसों तेल। सरसों तेल, अच्छा देखे थे पहले भी इसमें तेल लगा हुआ था हल्का सा। अरे तेल लगाने के जंग लग जाएगा, धो रहे हैं। अच्छा अच्छा, धोने के बाद जैसे तेल मल देते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। कितना तेल डाले? 1 लीटर। और कितना मटन बनेगा भैया? 12 kg। 300 प्याज फोरन के लिए। अच्छा, फोरन के लिए हो जाएगा। हाँ। अब इसको जो है अच्छे तरीके चलाया जा रहा है। अब डालेंगे। ये आगे भाई साबुत लाल खड़ी मिर्च है, लाल मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का। इसको भी कर दिया मिक्स। और कुछ भी डलेगा क्या फोरन में? अब कुछ भी नहीं पड़ेगा। अब बिरयानी होगा। बिरयानी होगा, उसके बाद प्याज डालेगा। मतलब बिरयानी बनाएंगे? लाल हो जाएगा प्याज। अच्छा, तब प्याज डालेंगे, तब फोरन लाल हो जाएगा। हाँ। वहाँ क्या बना हुआ है? मटन चिकन वहाँ पे बना हुआ है। तो मटन चिकन उस वहाँ बना हुआ है फिर भी यहाँ बना रहे हैं? अरे उसमें बनने से क्या हुआ है, अभी बचेगा वो, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा वो। और ये जो बन रहा है ये भी खत्म हो जाएगा 1 घंटे में। ये भी 1 घंटे में ही? तो मतलब वहाँ पहले से बना हुआ है और ये बना के उधर तैयार करके रख देंगे। हाँ, फिर दूसरा चढ़ाएंगे। अच्छा, ये बन के उधर रखा जाएगा फिर दूसरा चढ़ा देंगे। होना जाएगा वहाँ पे फोरन जब लाल हो जाएगा तब। हाँ, वहाँ क्या होगा फिर? वहीं पर प्याज डलेगा। अच्छा, प्याज भी वही डलेगा, फिर मटन भी वही बनेगा। हाँ। अब ये फोरन जो अच्छी तरीके से लाल हो चुका है और ये डाली जा रही है भर के प्याज। डबला ये डाल दी प्याज। ये कितनी प्याज होगी? ये 12 किलो। और ये भैया जो है बढ़िया से कर रहे हैं इसको मिक्स। ठीक है, आ गया भाई नमक। अब ये नमक के साथ में कर दिया मिक्स। जीरा मरीच। अच्छा, जीरा और काली मिर्च दोनों मिक्स है। हाँ। ये आ गई भाई हल्दी। ये देखो भाई, ये आ गया भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक भी है क्या इसमें? अदरक है, सिर्फ लहसुन। अच्छा, सिर्फ लहसुन। अब इन मसालों के साथ में इसको बढ़िया से प्याज के साथ में मिक्स किया जाएगा। और ये मसाले कितने देर रेडी हो जाएंगे? अभी हो जाएगा, अभी भी डाल देंगे भाई। ये भी बड़ी यूनिक सी रेसिपी लग रही है हमें। भैया ने आधे से ज़्यादा मसाले जो अभी से डाल दिए हैं प्याज के अंदर ही, और कह रहे हैं कि मटन भी जो हैंड टू हैंड पड़ जाएगा। मटन को जो है धोने की तैयारी। अच्छा, बाल्टी में से हैंड टू हैंड निकाल के डालते रहेंगे मटन को, है ना? अरे वाह भैया, एक बार जरा ये उठा के दिखाना हाथ से अपने, ये भी उठाना जरा। अरे वाह, चरबोदे का थोड़ा सा साइज कम तो भाई नहीं है? मुझे तो लग रहा था कम का साइज है, लेकिन चरबोदा बढ़िया एकदम। ले ले बड़ा। ये अपना चुस्ता दिखाना जरा। हो गई। ये कितने साइज में डालने वाला है, कितने पीस में जाने वाला है? 3 पीस। 3 पीस में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये कर दिया चुस्ते को बढ़िया से अंदर ना। हो आई बच्चा, ये 2 चुस्ते हैं क्या? ये कितने पीस में जाने वाला है? ये 2 पीस में? 2 पीस में। बहुत बढ़िया। बोला दे सो। अब भाई किया जाएगा मटन को बढ़िया से मिक्स। ये देखो क्वांटिटी जो है 12 केजी मटन और 12 केजी ही प्याज। और भैया कब तक पकाएंगे इस मटन को? अभी ये प्याज के साथ में 45 मिनट। 45 मिनट लगातार? भैया अपना ये प्योर खस्सी होता है या कुछ और होता है? दोनों बनता है, खस्सी भी बनता है और पाठी भी बनता है। खस्सी और पाठी? मतलब खस्सी पाठी होता है, खस्सी पाठी बनता है। मतलब पाठी बोले तो बकरी? ना ना, 5-6 किलो का पाठी होता है। अच्छा, 5-6 किलो का मतलब बच्चा। हाँ। और या तो फिर खोसू। हाँ। तो कोई भी मिल जाए तो वो बना दे। 10 किलो खस्सी। देखते ही देखते भाई साहब, ये देखो मटन और प्याज ने कितनी अच्छी तरीके से जो है अपने आप में पानी छोड़ दिया है। और ये देखो भाई खाने वालों की दीवानगी देखो एक बार। ये पहले से पहले जो है खड़े हुए कि भाई कब बन के उतरेगा और हम लोग खाएंगे। मटन के लिए खड़े हैं क्या? जी सर। तो मटन तो बना नहीं है अभी? बन रहा है।
तो इंतजार कर लेंगे इतनी देर, आराम से इंतजार कर लेंगे। अरे वाह, मटन रेडी हो गया है अब, ये प्रॉपर रेडी है? प्रॉपर रेडी है। तो अब कुछ रहता है क्या? गरम मसाला डाला जाएगा। ओहो, अब पड़ेगा भाई गरम मसाला। अब एक बार और मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, तो भाई ये देखो कैसे खड़े कस्टमर यहाँ पे बनने से पहले कि भाई कब बन के उतरेगा और उसको खाएंगे। ये देखो जी, ये आया गरम मसाला। अच्छा, आप भी इसको लास्ट में डालते गरम मसाले को? हाँ। और भाई ये मसाला डालने के बाद जो खुशबू आई है ना, क्या लाजवाब खुशबू आई है यार। क्या आप कह रहे मटन रेडी है और पानी वानी डालेंगे क्या? ना, पानी नहीं पड़ता है, बराबर प्याज पड़ता है। अच्छा, बराबर प्याज डालते इसलिए पानी नहीं डालते हैं? ना। अरे वाह भाई साहब, इसको तो कहा जाएगा भुजवा मटन। और अभी मसाला डालने के बाद खिलाना शुरू मसाला डालते मतलब निकलना शुरू हो गया। हाँ। ये देखो भाई, मसाला डालते ही जो है मटन बिल्कुल निकलना शुरू हो चुका है। और ये लग गया भाई नली वाला पीस, करेली बोलते हैं इसे। ये देखो भाई गजब। अब ये देखो भैया ने जो है चुस्ता की डिमांड कर दी है, और ये आ गया चुस्ता। वाह वाह, बहुत ही बेहतरीन। ये आ गई भाई नली वाली प्लेट, और ये आ गई चुस्ते की प्लेट। अच्छा, ये देखो भाई रंगत कितनी ज़बरदस्त वाली आ चुकी है। मसाला डालने के बाद गैस हो चुकी है बंद, और भैया ने जो है निकालनी प्लेटें चालू कर दी है। और पहले ही बनते बनते जो आधा ज़्यादा मटन निकल चुका था, और ये देखो दो दो बंदे निकाल रहे हैं भैया, एक इधर से निकाल रहे हैं और एक भैया जो इधर से निकाल रहे हैं। ये प्लेटें लगातार जो लगती जा रही है। मटन पूरी तरीके से बनने के बाद जो है कस्टमरों की प्लेटें लग चुकी हैं, और अंदर जो है इसी भीड़ में आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से अगर वहाँ तक देखेंगे आप लोग, तो एक भी सीट आपको खाली मिलने वाली नहीं है भाई साहब। पीछे भी फुल है, साइड में भी फुल है, और इधर लेफ्ट साइड में फुल है। सर एक बार टेस्ट बताएंगे यहाँ पे, टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। पहली बार खा रहे हैं, आते रहते हैं? डेली खाते हैं। कभी होटल बंद नहीं रहता, रोज खाते हैं? डेली खाते हैं। अरे वाह, ऐसी क्या खासियत है इनके मटन में जो रोज खाते हैं? मटन बहुत अच्छा बनाते हैं, खाना इनका बहुत टेस्टी होता है, इसीलिए यहाँ लोग आते हैं खाने के लिए। और बहुत अच्छा भी व्यवहारिक भी है। अच्छा, व्यवहार भी बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा व्यवहारिक है। कितना टाइम हो गया आपको खाते हुए यहाँ पे? हम तो हमेशा तो साल से यहाँ से खा रहे हैं। अच्छा, 2-3 साल से। हमने सुना है कि यहाँ पर जो है कुछ लोगों के मुँह से कि पाठी का मीट मिलता है यहाँ पे, मतलब यानी कि बकरी का मीट बनाते हैं ये? बकरी का तो मीट नहीं बनता है, बट पाठी का मीट और खसी का दोनों मीट बनता है। जो पाठी है, जो बच्चा नहीं दी हुई है, वो पाठी का मीट बनता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और उसी वही चीज़ यहाँ पे बनता है। अच्छा, प्योर जो फुल बकरी होती है उसका मीट नहीं बनता? नहीं, नहीं, यहाँ पे वो उसका मीट नहीं बनता। जो बच्चा दी हुई बकरी जो होती है वो नहीं बनता है यहाँ। ठीक खसी। तो इससे कोई ऐतराज नहीं है आपको? नहीं, कोई ऐतराज नहीं। अगर ऐतराज होता तो लोग आते हैं यहाँ खाने के लिए। हाँ, सही बात है। तो सिवान से ही लोग आए हुए हैं, दोनों मेरे दोस्त हैं। अच्छा, ये भी सिवान से हैं? क्या बात है भाई, सिवान से खाने के लिए आए हैं? 10 किलोमीटर और आगे से। सिवान से भी 10 किलोमीटर आगे, यानी 40 किलोमीटर दूर। तब सिवान के अंदर कोई आपको मटन नहीं मिला क्या? नहीं है, मगर ये टेस्ट नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ तरवारा मोड़ पे है मटन, हंडी मटन है, मगर इधर जब भी हम लोग मने आते हैं तो सोचते हैं कि हाँ भैया हमेशा आना पड़ता है, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ यहाँ का खाना खाया जाए, क्योंकि खाना बहुत टेस्टदार है, खाना बढ़िया बनाते हैं। बहुत बढ़िया भैया। टाइमिंग क्या होती है अपनी शॉप की? सुबह 9 से रात के 9 बजे तक। कभी बंद भी रहता है? कभी कभी बृहस्पतिवार को बंद रहता है, महीना में एक बार कभी। अच्छा, मंगल को भी चालू होता है? हाँ। और अपना यहाँ पे आने का फुल एड्रेस बता दीजिए। मीरगंज हथुआ मोड़, हथुआ वाले रोड में राही होटल, जिला गोपालगंज, बिहार।